नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको शीघ्रपात नमरदी का बहुत ही शानदार नुस्खा बताने वाला हूँ। इस नुस्खे को दोस्तों आप घर पे भी बना सकते हो और इसे एक महीना इस्तेमाल करने के बाद पुरानी से पुरानी दोस्तों शीघ्रपात नमरदी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों शीघ्रपात नमरदी कैसी भी हो, इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के बाद वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये फार्मूला शिंगरप संख्या का है और थोड़ी सी इस पे मेहनत लगेगी, मगर आप इसे घर पे बना सकते हो। और दोस्तों घर पे बनाने के साथ साथ आप अपना भी इलाज कर सकते हो इस फार्मूले से, और अपने दोस्तों का, अपने भाई बंधुओं का भी आप इलाज कर सकते हो इस फार्मूले को बनाने के बाद। तो दोस्तों पूरी डिटेल में मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ। दोस्तों आपको 20 ग्राम ले लेनी है शिंगरप और उसकी बना लेनी है भस्म। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी शिंगरप भस्म आपको कैसे बनानी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको 20 ग्राम संख्या ले लेनी है, संख्या शुद्ध कर लेनी है आपको दूध में उबाल के, वो दोस्तों आप आगे इस वीडियो में देखेंगे, उसे शुद्ध कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों शिंगरप और संख्या दोनों की आपको घुटाई करनी है, शुद्ध संख्या की और शिंगरप भस्म की दोनों की आपको घुटाई करनी है और बिल्कुल इसे सुरमे की तरह बारीक कर लेना है। दोस्तों मैं आपको वीडियो में ये दिखाता हूँ ये किस तरीके से इसकी घुटाई करनी है और स्टेप बाय स्टेप पूरा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये है सफ़ेद संख्या, सफ़ेद संख्या इसे दूधिया संख्या भी बोलते हैं और सफ़ेद संख्या भी बोलते हैं। और दोस्तों ये संख्या का शोधन हो रहा है, ये पोटली में सूती कपड़े में लपेट के ये दूध में इसे उबाल रहे हैं। ये दोस्तों 100 ग्राम सफ़ेद संख्या है और 3 लीटर ये दूध है। अब इस दूध को धीमी आंच पे पकाया जा रहा है और जो इसमें संख्या की डली है वो अब शुद्ध हो रही है और लगभग इसे 3 घंटे इसी तरीके से उबालने के बाद ये संख्या शुद्ध हो जाएगी और इसे हम अपने नुस्खे में डालेंगे। और दोस्तों पूरा नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो पूरी देखें। तो दोस्तों ये है संख्या और ये है शिंगरप। दोस्तों शुद्ध संख्या और शिंगरप, अब इन दोनों की घुटाई करनी है। दोस्तों इन दोनों की घुटाई कम से कम 20 घंटे घुटाई करनी है और 20 घंटे घुटाई करने के बाद इसमें कुछ और चीज़ें मिलानी हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों लगभग 4 घंटे हो चुके हैं इसकी घुटाई होते हुए, अभी दोस्तों इसी तरीके से इसकी 20 घंटे घुटाई करनी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये लगातार आपको 20 घंटे इसकी घुटाई करनी है, आप डेली 1 से 2 घंटे घुटाई कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों जो मेरे भाई भस्में बनाते रहते हैं, जो जानकार हैं वो तो इसकी 20 घंटे घुटाई करें, और जो जानकार नहीं हैं, जो नए बंदे इसे बनाएंगे तो वो 5, 7 घंटे, 10 घंटे इसकी ज़्यादा घुटाई कर लें। दोस्तों उससे ये है कि जो जानकार बंदा होता है वो तो अच्छे से घुटाई करता, मगर जो जानकार नहीं होता वो पूरी अच्छे से घुटाई नहीं कर सकता, तो इसलिए वो 5, 7 घंटे, 10 घंटे फालतू रगड़ाई कर ले, 2-4 दिन ज़्यादा लगा ले, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों जो इसमें चीज़ें आपको और डालनी है वो है केसर। दोस्तों कश्मीरी केसर, बिल्कुल 1 नंबर का केसर आपको इसमें डालना है, केसर आपको लेना है 10 ग्राम। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है शिलाजीत, शिलाजीत आपको लेना है 20 ग्राम। फिर दोस्तों सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली भी 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद दोस्तों जुंदबे दस्तर भी 20 ग्राम लेना है। फिर दोस्तों रूमी मस्तगी भी 20 ग्राम। फिर दोस्तों सालम पंजा भी 20 ग्राम, सालम मिश्री भी दोस्तों 20 ग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे
एक लास्ट चीज़ है वो है अफीम। अगर आपको कहीं से अफीम मिल जाता है तो आप इसमें 10 से 20 ग्राम अफीम भी डाल दें। तो दोस्तों ये फार्मूला ऐसा बन जाएगा कि इसके गुणों को बताना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कूट के इसका कप्पड़ छान पाउडर बना लेना है, यानी कि अच्छे से बारीकी से पीस के इसे कपड़े से छान लेना है। कपड़े से छानने के बाद दोस्तों ये आप सारी चीज़ें ये शिंगरप संख्या में मिला दें। शिंगरप संख्या में सारी चीज़ें मिलाने के बाद आप जो देसी अंडे होते हैं, देसी अंडे का पीला हिस्सा लें और इसमें डाल के घुटाई करें। दोस्तों ये अंडे की जर्दी आपको इसमें इतनी डालनी है कि 1-1.5 घंटा घुटाई करने के बाद ये मटेरियल हमारा गोलियां बनाने लायक हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों घुटाई करके आपको छोटी छोटी, बिल्कुल दोस्तों जितना मसूर का दाना होता है उतनी उतनी गोलियां बना लेनी है। एक एक गोली सुबह शाम आधा किलो दूध में 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डाल के उसके साथ आपको ये गोली लेनी है। और दोस्तों कुदरत का कमाल देखना, ये दोस्तों इतनी ज़्यादा पावर आपके शरीर में बढ़ा देगा कि आपको सारी ज़िंदगी किसी दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस भी मरीज़ को आप ये दवा देंगे वो भी आपके गुण गाता नहीं थकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।